अभिषेक मल्हान एक ये फुकरा इंसान को हो गया है प्यार। अरे नहीं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि उन्हें यहाँ बिग बॉस OTT2 के घर में किसी कंटेस्टेंट से प्यार हो गया है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, बिकॉज ही इज इन लव विद समवन जो उनका बाहर इंतजार कर रही है। वैसे ये हम नहीं कह रहे, ये तो खुद अभिषेक ने कहा है। जी हाँ, एल्विस यादव के टास्क के दौरान अभिषेक ने किया था ये खुलासा। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अभिषेक के भाई निश्चय को तो मनीषा रानी अपने भाभी के रूप में पसंद आने लगी है। निश्चय को मनीषा रानी बहुत एंटरटेनिंग और रियल लगती हैं। यही नहीं, निश्चय तो मनीषा रानी के भोजपुरी एक्सेंट पर भी फिदा हैं। चलो, अब अभिषेक के भाई निश्चय ने तो अपने लिए भाभी पसंद कर ही ली है, लेकिन देखना ये है कि क्या अभिषेक के माता पिता मनीषा को अपनी बहू के रूप में देखना चाहेंगे। चलो कोई नहीं, ये सब तो अब इनके घर के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे इस वक्त बिग बॉस OTT2 के घर में एल्विस यादव, अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी का बोलबाला है। पूजा भट्ट और बेबिका धुर्वे तो कहीं खो सी गई हैं। और जहां तक जिया शंकर और अविनाश सचदेव का सवाल है, तो उन दोनों ने तो पूरे घर में गंध फैला रखी है। हर किसी से पंगे, हर किसी से लड़ाई, उफ, अब तो ये दोनों देखे नहीं जाते। इस वीक एल्विस यादव, जिया शंकर, अविनाश सचदेव, जैड हडीर, फलक नाज और आशिका भाटिया नॉमिनेट हुए हैं। वी होप दैट ईदर अविनाश या जिया इस बार एविक्ट हो ही जाए। लेकिन जहां तक हम अनुमान लगा सकते हैं, तो कल फलक या जैड में से कोई एक बिग बॉस OTT2 को अलविदा कहेगा। अब जो भी होगा, आपको और हमें कल तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आपके बस में होता तो आप इनमें से किस हाउसमेट को एलिमिनेट करते? आप हमें वो एक नाम हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। हम आप तक बिग बॉस OTT2 के सारे एक्सक्लूसिव खबरें यूं ही लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉर ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज वी एट बॉम्बे ब्लूज सेलिब्रेट एंटरटेनमेंट।